तो आज है कन्याओं के लिए शॉपिंग का दिन। जी हाँ, हर साल में दो बार ये दिन आता ही है जब हम कन्याओं के लिए शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोग कुछ इस बार ही अलग ले रहे थे क्योंकि बोला जाता है 11 से 12 कन्याएं बिठाई जानी चाहिए, यही नंबर शुभ होता है। हम लोग मॉल गए थे इसी चीज की शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने लिए साड़ियां ली, बहुत ही लाइट साड़ियां मुझे खरीदनी थी। मैंने और मेरी बहन ने साड़ी ली। उसके बाहर, साड़ी लेने के बाहर, हमें कुछ प्यारे प्यारे से अपने सब्सक्राइबर्स दिखे जिनके साथ हमने पिक्चर्स ली। और मॉल इतना सुंदर सजा हुआ था क्योंकि दिवाली का माहौल था तो सुंदर सजेगा ही। शॉपिंग मॉल पर जाते ही हमने देखी बहुत सारी चॉकलेट्स और बनाने लगे मनन भाभी वाली वीडियो। एक छोटी सी सब्सक्राइबर आई थी जो हमारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखती हैं, सब चीज जानती थी। आगे बढ़ के हमने ली टिफिन्स। लंच बॉक्स काफी सारे लेने थे तो हम वही लेने के लिए आगे बढ़ते गए क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही टिफिन बॉक्स देते आ रहे हैं, टिफिन, पानी की बॉटल। तो यहाँ पर मुझे ये टिफिन बॉक्स मिले। आई नो थोड़े से एक्सपेंसिव थे, 200 रुपए का एक डब्बा था, लेकिन यार आज के दिन तो बनता ही है ये सब लेना। दिवाली के लिए ना काफी सारी चीजें भी आ रखी थी मॉल में। अगर आप जा रहे हो तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। यहाँ पर चीजें सस्ती भी हैं और गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो दिवाली की शॉपिंग तो मैं इसी जगह से करने वाली क्योंकि हर एक चीज मुझे बहुत पसंद आई यहाँ पर। और फिर मुझे एक प्यारा सा सरप्राइज मिला। मेरी मम्मी आ गई थी मुझे ज्वाइन करने के लिए क्योंकि उनको भी कन्याओं के लिए कुछ लेना था। तो मम्मी ने भी लिया। इतने में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स मिलते जा रहे थे और उनके साथ हम पिक्चर्स क्लिक कराए जा रहे थे। ब्लैंकेट्स मैंने लिए थे अपने प्यारे प्यारे स्ट्रीट डॉग्स के लिए। उनके लिए मैं हर साल ब्लैंकेट्स लेती हूँ जैसे ही ठंड आने वाली होती है। आप देखो कितने सारे चॉकलेट्स के डब्बे लिए थे मैंने कन्याओं के लिए और टिफिन तो मैंने ले लिया था। सब कुछ खत्म करने के बाद हम लोग आ गए थे आईफोन स्टोर, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हमें दिखी थी जो पार्किंग से भाग कर आई थी क्योंकि उन्होंने मेरी स्नैप स्टोरीज देख ली थी। अगर आप मुझे स्नैप पे फॉलो नहीं करते हो तो अभी कर लेना नीतू बिज नाम से। स्नैप पर देखती वो मुझे यहाँ पर आई थी भागती हुई। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी तो तुरंत ही मैंने उनको हग कर लिया क्योंकि यार आप इतना प्यार करते हो तो देखकर इमोशनल तो इंसान हो ही जाता है। उनसे मिलने के बाद मैं वहां से बाहर निकल गई। जब हमें प्यारे प्यारे से खिलौने दिखे, ये था 0 कांटे का एक गेम, बहुत ही अच्छा था लेकिन 4000 का था। मतलब वो तो हम पेपर और पेन के साथ भी खेल सकते हैं ना, 4000 की क्या बात थी इसमें। देखा हमने थोड़ी देर खेला और निकल गए वहां से जूते चप्पल लेने के लिए। मुझे अपनी मम्मी को कोई चप्पल दिलानी थी तो मैं वही लेने के लिए निकल गई वहां से। और मम्मी को ये प्यारी सी पिंक कलर की चप्पल पसंद आई थी, मैं पहना रही थी मगर पहनी नहीं जा रही थी, लेकिन किसी भी तरह मैंने मैनेज किया मम्मी को चप्पल पहनाना। हमारी शॉपिंग सबसे अच्छी हो गई मम्मी के आने के बाद। मम्मी चप्पल पहन के देख रही थी, वहीं मेरा भाई मेरे को शूज पहना रहा था। फालतू का काम कर रहा था भाई, गॉड मेरा भाई बहुत ओवर ही काम करता कभी कभी, लेकिन हम थोड़ा फन कर रहे थे। भाई फन ही तो लाइफ है, अगर आप हंसते रहोगे मुस्कुराते रहोगे तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा। दुखी रहने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। तो बस हम कहीं पर भी जाते हैं हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं। आपको मेरी व्लॉग कैसा लगा कमेंट से बताना और इस बार आप कन्याओं को क्या दे रहे हैं वो भी मुझे बताना। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।